और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। गणेश नाइक को छोड़ते ही एनएमएमसी ने रोका सुरेश कुलकर्णी का प्रस्ताव, बोनसरी में रिटेनिंग वॉल का निर्माण रद्द, उठे सवाल। तुर्भे एमआईडीसी का यही वो बोनसरी इलाका है जहां बीते मानसून में पहाड़ी से उतरी बाढ़ सैकड़ों गरीबों का घर बहा ले गई थी। न राशन बचा था, न कपड़े, न जीने का सामान। यहां जिंदगी सलामत रहे इसलिए स्थानीय नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने मनपा प्रशासन से गुहार लगाई। तब मनपा आयुक्त रामा स्वामी आए, महापौर जयवंत सुतार आए और सबने वादा किया कि पहाड़ी का पानी रोकने यहां रिटेनिंग दीवार बनाएंगे। प्रस्ताव मंजूर हुआ, टेंडर भी निकला, लेकिन अब उसी दीवार का प्रस्ताव मनपा ने रोक दिया है। सवाल पूछने पर अधिकारी खामोश हैं। तो क्या मनपा प्रशासन आयुक्त और महापौर बोनसरी के लोगों को मारना चाहते हैं? त्या ठिकाणी काय वाल वगैरे बांधलेलं नव्हतं, पावसाळ्यात भरते पावसाळ्यात त्या ठिकाणी नाला कंपाऊंड वॉल नसल्यामुळं पता नाल्यातून भरपूर पाऊस पडतोय आणि ह्यावेळेस परिस्थिती बिकट निर्माण झालं। पाऊस जास्त झाल्यामुळं ब्रिज ओव्हर होऊन त्या ब्रिजवरनं पाणी येत होतं आणि त्या ठिकाणी दिवसाही 11, 11:30, 12 दरम्यान झालेले त्या ठिकाणी पाणी पुरा लोकांच्या घरात घुसलेले आहेत। त्या ठिकाणी पुरा नाला एवढं वाहून चाललं होतं, अक्षरशः ते रात्री जर झालं असतं प्रकरणं वेगळं झाले असते। बरं झालं ते दिवसा घटना घडली आणि त्या ठिकाणी ताबडतोब कमिशनर आले, त्या ठिकाणी रामास्वामी आले, महापौर साहेब आले, त्या ठिकाणी ताबडतोब ते बघून परिस्थिती बघून त्यांनी अधिकाऱ्यांना बोलवलं ताबडतोब हे टेंडर काढा, उद्या हे पावसाळ्याचे परत असा दुर्घटना घडता कामा नये म्हणून तरी स्वतःहून प्रशासनाला बोलून रामास्वामी साहेबांनी हा टेंडर काढायला लावले आणि ते काल रिजेक्ट झाला असं ऐकलं बस। बाकी सूत्रों की माने तो इस रिटेनिंग वॉल प्रस्ताव को रोकने के पीछे सुरेश कुलकर्णी का पूर्व मंत्री गणेश नाइक का खेमा छोड़ना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब कुलकर्णी ने दीवार की मांग की थी तब वे नाइक खेमे के नगर सेवक थे, लेकिन इस्तीफा देकर उन्होंने शिवसेना की राह पकड़ ली है। ऐसे में मनपा में सत्ता के सलाहकार गणेश नाइक का नाराज होना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि क्या नगर सेवक के खेमा बदलने से गरीब मजदूरों की मुसीबत को छोड़ देना चाहिए? इस राजनीति पर सुरेश कुलकर्णी ने गणेश नाइक पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना जरूर चेतावनी दी कि यदि बोनसरी में कुछ भी अनर्थ या हादसा होता है तो इसके लिए मनपा प्रशासन जिम्मेदार होगा। पर्सनल नहीं, माझं काय पर्सनल घर नहीं, काय नहीं, त्या ठिकाणी जनतेचे विषय। आता पावसाळ्यात तुम्ही परिस्थिती बघितलेली आहे, त्या ठिकाणी पाणी कसं वाहत होते, ह्या उद्देशाने ते ठिकाणी काम घेतलेले। आता उद्या जर कमी जास्त झालं तर त्या ठिकाणी प्रशासन जबाबदार राहतील। फिलहाल बोनसरी के रिटेनिंग वॉल के बहाने ही सही, लेकिन नाइक खेमा और कुलकर्णी के बीच नई तकरार का आगाज हो गया है। इसके साथ ही तुर्बे इलाके में भाजपा और शिवसेना चुनाव से पहले ही आमने सामने आ गई हैं। मनपा चुनाव से पहले शुरू हुई यह रार आगे और भी गर्माहट लाएगी, इतना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।